तो नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे फिटनेस क्लब में हैं। हमारे साथ हैं सुरेखा जी, आई थिंक यू आर योगा टीचर एज गिवन टू अंडरस्टैंड। योगा का शौक आपको कब से हुआ, क्यों हुआ, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? वैसे तो मैं प्रोफेशनली जिम इंस्ट्रक्टर हूँ, लेकिन जब से रामदेव बाबा जी आए। अच्छा, एक सेकंड, मैं बीच में आपको सवाल पूछ रहा हूँ। जिम इंस्ट्रक्टर मैं पहली बार किसी लेडी से मिल रहा हूँ, हालांकि बहुत हैं, लेकिन आप पहली लेडी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ जो कि जिम इंस्ट्रक्टर हैं। तो जिम इंस्ट्रक्टर मतलब आपको यू नो ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द जिम, द बॉडी बिल्डिंग एवरीथिंग? नहीं किया बॉडी बिल्डिंग अभी तक, तो मैंने ट्राई नहीं किया, बट उसके बारे में काफ़ी मुझे कुछ पता है। How come so you develop this passion? ये passion आपको कैसे develop हो गया? You are the first girl I'm interacting की जो gym instructor हैं। I'm happy to meet you. वैसे तो मैंने कभी सोच कर इस field को join नहीं किया था, लकीली इस field में मैं आ गई। तो पहले मैं एज अ जिम इंस्ट्रक्टर मैंने शुरू किया है, तो आगे मैंने सोचा कि इस फील्ड में जो है कि मैं आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने बहुत खुद को अपडेट किया है, जैसे योगा इंस्ट्रक्टर, जुम्बा इंस्ट्रक्टर, काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन फिर मैंने शुरू कर दी। तो अभी आप योगा सिखाती हैं, जुम्बा भी सिखाती हैं, तो यू रन योर ओन क्लासेस? यस, एक्चुअली मेरे स्टूडियो थे, मेरे जो भाई है इंटेंस फिटनेस क्लब के ओनर है, तो हमने स्टूडियो भी शुरू किया था, तो पैंडमिक की वजह से मुझे बंद करना पड़ा। वैसे तो जुम्बा, योगा, ये मेरा काफ़ी क्लासेस चलते हैं नवी मुंबई में, मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ। You love your activities? Yes, yes. मुझे बहुत मज़ा आता है, और मेरे क्लाइंट्स जो है उनको भी काफ़ी मज़ा आता है मेरे साथ योगा, फिर जुम्बा, पावर योगा। मैं काफ़ी सारे वर्कशॉप भी मैं अटेंड करती हूँ, जैसे कि इंडिया की सीनियर जो योगा टीचर है उनके वर्कशॉप होते हैं मुंबई में, तो मेरा पूरा काम छोड़कर भी मैं उनको अटेंड करती हूँ, मुझे इतना पैशन है उसके बारे में। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को, एक व्यूवर्स को, कि फिटनेस के लिए व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द जनरल पब्लिक ऑफ इंडिया? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे अभी कोरोना हुआ था तो काफ़ी डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है पेशेंट्स को कि आप प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, तो मैं ये चाहती हूँ कि सारे लोग, मिडिल क्लास फैमिली हो, अपर क्लास हो, यंगस्टर हो, सीनियर्स हो, सबको यही कहना चाहती हूँ कि अभी के जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें आपका हेल्थ काफ़ी ज़रूरी है। आप योगा करो या फिर कोई जिम ज्वाइन कर लो, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत लोगों के लंग्स पे, हार्ट पे अभी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था, तो जब हम योगा करते हैं तो अपने लंग्स, हार्ट, ये सारे हेल्दी रहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल पेशियाँ भी हेल्दी रहती है। तो अगर आप योगा कर रहे हो, अच्छा खान पान रख रहे हो, तो आप हेल्दी रहोगे और कोरोना जैसा वायरस भी आपके आसपास भी नहीं भटकेगा, ऐसे मेरा मानना है। योगा सुबह को करना चाहिए या शाम को, या जब कभी अपने कन्वीनियंस से, या कोई पर्टिकुलर टाइम है जो शरीर को, पूरे बॉडी को ज़्यादा बेनिफिट दे? जी, योगा वैसे तो मॉर्निंग में बहुत बेटर रहेगा। खाली पेट अगर आप सुबह उठ के एक आधा फ्रूट खा रहे हो या कुछ लिक्विड ले रहे हो, जैसे वार्म वाटर विथ लेमन, उसके बाद भी आप शुरू कर सकते हो, या एक फ्रूट खा के, आपकी मेडिकल मतलब कैसी कंडीशन है, बॉडी कंडीशन, पहले आप अपने आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए, फिर वो बताएंगे रूटीन की क्या करना है, कैसे करना है। कभी भी एक जो पढ़ा लिखा या सर्टिफिकेशन किया हुआ इंस्ट्रक्टर है उनसे बातें करके ही आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा रहेगा। मेरा मानना यह है, सुबह या तो आप एक फ्रूट खा के आफ्टर 20 मिनट्स आप कुछ भी योगा या फिर एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो। दोस्तों, ये थे सुरेखा जी जो योगा एंड जुम्बा इंस्ट्रक्टर हैं, एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू सुरेखा जी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे और ऑडियंस को भी। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक छोटा सा यहाँ पे क्विज गेम खेलेंगे, इट विल बी जस्ट अ फन काइंड ऑफ थिंग, देखेंगे लोगों का IQ कितना है यहाँ पे। छोटे सा एक प्रोग्राम रखते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।